मौजूदा समय में कोविड-19 महामारी चरम पर चल रहा है, जिसको देखते हुए हर कोई इस महामारी से बचना चाह रहा है और इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय कोविड-19 का टीकाकरण कराना है, जिसको लेकर सरकार ने भी कमर कस लिया है। जहां पहले यह टीकाकरण स्वास्थ्य केंद्रों पर हुआ करता था, वहीं अब विभाग ने 62 मोबाइल टीकाकरण बनाया है, जो गांव-गांव जाकर टीकाकरण करने का काम करेगा। जैसा कि अभी आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी मात्रा में भीड़ है और लोग अपना टीकाकरण कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जब टीकाकरण कराने का रुख गांव की तरफ हुआ, तो लोगों का टीकाकरण कराने में रुझान भी बढ़ा है। जनपद गाजीपुर में जहाँ पूर्व में 77 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका किया जाता रहा है, वहीं अब जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी ब्लॉकों में से 14 ब्लॉक में 4-4 टीम और 2 ब्लॉक में 3-3 टीम बनाई गई है, जिनकी कुल संख्या 62 है। वो पिछले 2 दिनों से जनपद के गांव-गांव में जाकर लोगों का टीका कवर कर रही है। आज इसी का रियलिटी चेक करने के लिए जब मीडिया की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी के अंतर्गत आने वाली बभनौली और यूसुफपुर ग्राम सभा में पहुंची, तो यहाँ पर टीकाकरण के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बना। बभनौली ग्राम में एक और युवा जहाँ अपना एंटीजन टेस्ट कराने में व्यस्त रहे, तो वहीं 45 साल से ऊपर की महिला और पुरुष अपना टीकाकरण कराने में लगे हुए थे। जहाँ पर आज बारिश होने के बाद भी लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं इसके बाद हम पहुँचे यूसुफपुर ग्राम सभा में, जहाँ पर टीम के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा था। और सबसे खास बात यह रही कि यहाँ पर आने वाले लोगों का स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण किया जा रहा था। इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इन लोगों ने बताया कि इसके लिए इनके गांव में सुबह आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण के समय और स्थान के बारे में बतलाया था। हाँ, मेरे यहाँ पहली बार हुआ है। इससे पहले हम लोग CSC पे टीकाकरण करते थे कोविड-19 का। आज यहाँ सरकार की अच्छी नीति है, गांव में गांव तक आ गई, घर घर सबको व्यवस्था मिलेगी। आज यहाँ पे पहली बार हो रहा है। लोगों में कितना उत्साह है इसको देखते हुए? यहाँ तो बहुत अच्छा उत्सुकता है, लोग जागरूक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन जाँच करा रहे हैं, RT-PCR करा रहे हैं, कोविड-19 का टीकाकरण करा रहे हैं। ये टीका हमारा 45 से ऊपर वालों को लग रहा है, 45 साल से। एंटीगा वैक्सीन है जो कोविड के लिए लगाया जा रहा है और कोवैक्सीन हम लोग दे रहे हैं इसे। तो मैडम, ये जो कार्यक्रम आज यहाँ गांव के अंदर जो चल रहा है, ये कार्यक्रम पहली बार यहाँ चल रहा है या इससे पहले भी चलता था? नहीं, अभी पहली बार है। अभी हम लोग CSC पे लगाते थे, अब सब सेंटर पे भी लग रहे हैं। अब तक जो CSC पे आप लोग लगाती थी और गाँव में आई है, दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? अंतर कुछ नहीं है, थोड़ी जागरूकता की कमी है जनता। अभी जागरूकता की कमी है? हाँ। जैसे CSC में पहले लोग लाइन लगाकर लगाते थे, तो क्या यहाँ पर जो लगवाने वाले की संख्या में क्या कमी देख रहे हैं या ठीक है? अभी फिलहाल में जैसे धीरे धीरे अगर एक आता है तो उसके पीछे सभी लोग आना शुरू करते हैं। तो इसकी वही आज के इस टीकाकरण में महिला और पुरुष अपना टीकाकरण कराकर काफ़ी खुश नजर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस महामारी में कोविड-19 से लड़ने के लिए टीकाकरण ही वो हथियार है जिससे वह दो दो हाथ कर सकते हैं। वो कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए इसके पहले टीका की आती है सेंटर पर लगता है या पहली बार लगाया यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे पहली बार आए हैं लगवाने। ये पहले जो सेंटर पर अस्पतालों में जाना पड़ता था, अब आपके गांव में आया गया है जी। क्या कहेंगे, किस तरह की सुविधा है सरकार की? अच्छी सुविधा है। सुविधा है? हाँ। क्या लगता है इससे अब आपको टीका आपने लगवा लिया है तो क्या लगता है कि अब कोविड का जो महामारी के लिए उससे आप बचेंगे? हाँ, बचेंगे। अन्य गाँव में ये तो हमारे बचने के लिए तो लग रहा है। गाँव में अन्य लोगों से भी बताएंगे, मतलब इसके लिए लोग करेंगे? हाँ, बताएंगे। टीकाकरण हमने भी कराया और गांव में जो CHC के अपेक्षा गांव की तरफ आना हुआ है, इसमें जागरूकता बढ़ी है और इसमें जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। जैसे भूपेंद्र सिंह जी, ये सारे लोग मिल करके गांव के लोगों को इन्होंने जानकारी प्रदान की है। तो लोगों का जो परसेंटेज टीकाकरण कराने का, जो बहुत सारे लोग इससे दूर भागते थे, क्या लग रहा है कि अब लोग टीकाकरण करा लेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लोग टीकाकरण कराएंगे और इसमें वृद्धि होगी। कारण ये है कि CSC नज़दीक है, हम लोग थोड़ा सा उस प्रयास कर रहे थे लगवाने के लिए, लेकिन हम लोग का ग्रुप था ये था कि जब गांव में कैंप लगेगा तो हम लोग एक साथ लगवाएंगे। ऐसे में अब जो अब गांव-गांव में टीकाकरण शुरू हुआ है, क्या लगता है लोगों में टीकाकरण लगाने पर रुझान बढ़ेगा या क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से जागरूकता
जैसे चल रही है टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, लोग जागरूक होंगे और आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस टीकाकरण को लेकर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि लोग चूँकि कोविड से डरे हुए हैं, वो पीएससी और सीएससी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो पंचायत स्तर पर एक शिविर लगा करके जहाँ पर सब चीज़ का व्यवस्था हो, एक डॉक्टर लगा करके सारा एफआई मैनेजमेंट किट वगैरह रखते हुए वहाँ पर गांव में लगाया गया है, ताकि अपना घर से लोग निकल करके कोविड का टीका लगवावें और इससे हम कोविड के प्रसार को और जान माल को अधिक से अधिक सुरक्षा कर सकते हैं।